दाल टूटने से पहले छिटकती जरूर है। अच्छा, दाल टूटने से पहले ए लड़की ए दाल दाल पहले उधर टूटो उधर टूटो ए भैया और ये दाल। अरे आपके आपकी भाई आप भाई हैं ना, इसके मुंह भी मिलता है देखते हैं भाई। सबके सामने बहन बोल के दिखाइए तो तब मानेंगे। जियो बोल के दिखाइए एक बार। जियो कि जिया मेरा सिस्टर है। जियो ऐसा हो सकता है? कहते हैं कि मौसम बहुत हसीन है, कहो तो हाफ ले ले। दाल में कुछ काला है कि डाली काला है या क्या? दाल सड़े हुए हैं। ससुरा पहले एक भाई बोल के गई, अभी तक झेल रहे हैं, अब ये दूसरी कहां से आ गई? एगो नहीं क्या गो भाई बोलिए। सुनिए कहते कि देखिए सर, हमारे मौसम बहुत हसीन है। हमारे टीम में जितनी लड़कियां आती हैं हमने सबको सिखाया इनको भैया बोलना। इसीलिए चूंकि देखिए भैया बोलने के बाद नजर इधर उधर नहीं होता है, शादी इससे इससे मेरा करेक्टर ठीक होता लेकिन आपका गड़बड़ हो रहा है ना भैया। कहते कि इनका करेक्टर गड़बड़ नहीं हो रहा है, इनका काम है तो काम करेगा। आप एक बार बहन बोल के दिखाइए, देखते हैं कितना जिगर में दम है। आप सुनिए, आपको बोलते नहीं, इनसे बच के रहिए। बंदा बंदा बहुत काम का है, काम का होता। सुनिए कि बंदा बहुत काम का है और काम का होता, ये तो वक्त के पाबंदियों ने बांध रखा है, वरना आपके मांग में सिंदूर भी इन्हीं के नाम का होता। कभी इधर देखिए। अरे हरियरी ना पनियाई जमीन पे उगेला, बजराई जमीन पे ना। भैया जी बोलिए। कहते कि मौसम बहुत हसीन है, कहो तो हाफ ले ले। कि मौसम बहुत हसीन है, कहो तो हाफ ले ले। अरे अगर तुम तैयार हो जाओ तो हम अभी तुरंत तलाक ले ले। कैसे भैया जी, गलत बात है। क्योंकि हसरत है सिर्फ तुझे पाने की, कि हसरत है सिर्फ तुझे पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं है इस निभाने की। अरे शिकायत तुमसे नहीं ऊपर वाले से है। ससुरा क्या जरूरत थी इनको इतनी खूबसूरत बनाने की? आप ही लोग एक सेकंड, आप ही लोग बोलिए, रूपेश चंचल जी का मन में कितना खोट है। बोल रहे एक बार बहन बोल दीजिए, वो भी नहीं। अच्छा बोल दीजिए, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, मलाई देख के केकरा न मन करे चाटेला? अच्छा हम सही जा रहे हैं तो एक बार जोरदार तालियां मेला कमेटी के लिए बजा दीजिए। इधर आओ, इधर आओ। अरे ये हम बाबा रामदेव के चेले हैं, आसाराम के थोड़े हैं जो डरती है। यहाँ रहो बच्ची, यहाँ रहो, भागो मत, उधर उधर मत देखो, उधर मत देखो। है पुराना कुकर क्या सीटी देना छोड़ देता है? देता है ना, तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये था कि मलाई देख के केकरा ना मन करे चाटेला, आ ई लहंगा तोहरा में कैसे आटेला। अरे अपने से पहरे लू कि बिरौली के लड़का सब पहरावेला, आ ई बात हमारा दिमाग में बहुत देर से नहीं खे आटेला। एक बार रुपेश भाई इनके घर पर गए थे, आप इनकी मम्मी मिली थी, क्या हुआ था फूल वाला कहानी वो जो आप बता रहे थे हमको? क्या हुआ था? नहीं हो जाता है, इनकी सूरत ही ऐसी है ना, देख रहे हैं सर, बहुत प्यारी है। नहीं एक बार इनके प्यार के चक्कर में पड़ गया सर, सही बात बता रहे हैं, सच्ची बात। और इनके घर बंगाल गया इनसे मिलने के लिए, खाली हाथ नहीं, हाथ में गुलाब का फूल लेकर गया, दरवाजा खटखटाया, भोजपुरी में बोला कि सुनत आरू हो अपन दिल हमरा के देबू का, मिजाज में कि सुनत दारू हो अपन दिल हमारा के देबू का। ये बाहर नहीं आई, इसकी मम्मी आई, हम बोले चाची दूर भैया में फूल लेबू का। उसके बाद ये बाहर आई, बोली कि मेरे प्यार के चक्कर में मत पर बहुत पछताएगा, कि मेरे प्यार के चक्कर में मत पर बहुत पछताएगा, और मेरे घर के बाहर छोले भटूरे की दुकान लगाएगा। मैं भी बिहार का हूँ, बेगूसराय का लड़का, तुरंत जवाब दे दिया कि मेरे प्यार को ठुकराएगी तो बहुत पछताएगी, कि मेरे प्यार को ठुकराएगी तो बहुत पछताएगी, और उसी छोले भटूरे के दुकान में तू बर्तन मानते नजर आए। बर्तन हम कहे मांजे, फौजी छे ना घर पे बर्तन मांजने खाती। कल इनका बैठकी प्रोग्राम भी है रात। देखिए भैया हंसने लगता है, घर में हालत ठीक नहीं है सर आपका, ना ऐसा हो जाता है। अच्छा सर, किसी का भी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ये शादी नहीं आशा बस इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आशा बस इतना समझ लीजिए, अरे सल्फस की गोली है, बस चूस कर मजा लीजिए। क्योंकि ससुरा शादी जो है ना सुनने में बड़ा हसीन लगता है सर, बिल्कुल कश्मीर की तरह, लेकिन ससुरा कब आतंकवादी हमला हो जाए पता ही नहीं चलता। मंच के माध्यम से इतना शायरी बोले, घर में शायरी भी सर नहीं बोल पाते,
एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। भैया भी यहाँ से ऐसा लगता है घर में उनका भी हालत ठीक ठाक उतना नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मंच के माध्यम से शायरी कर लेता हूँ, घर में शायरी भी नहीं कर पाता हूँ। एक दिन पत्नी के सामने सर मजाक में दिलवाले का शायरी बोल दिया कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ कम था, मेरे कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। पत्नी तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुराल वहां कश्ती लेके कहा गया था जहाँ पानी कम था। क्या बताएं सर, इतना गुस्सा हो गया, मरने चल दिए। और पत्नी गेट पे बोली कहाँ जा रहे, बोले आत्महत्या करने। पत्नी बोली झोला लेके जा, बोले पगली झोला का है, बोले गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तू घर से 2 किलो टमाटर लेके आना। भाई साहब झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी नहीं बहन है ये बंदा, हमेशा मेरा मार्केट खराब करता, अपना मार्केट चमकाता है। सुबह सवेरे एकदम गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला और उसमें थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे हैं। बोले पगली माफी नहीं मांग रहे। अरे माफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला रहे हैं। अच्छा एक बार की बात है, जो आप इनके घर गए थे तब क्या हुआ था, अचार वाला जो कहानी था वो था बता दीजिए सर। एक बार सुनना चाहते हैं, जोरदार ताली बजाई, बहुत मजा आएगा। एक बताइए पहले, यही ओरिजिनल मजा है आपका, देखिए सच्चाई भी जान रही है क्या हुआ था आपके साथ। देखिए सर शादी शुदा है और इतना ना कार्यक्रम सिवेश जी का होता है, ससुराल नहीं जा पाते हैं। थोड़ा सा भोकल बढ़ा दीजिए, शादी शुदा है, भोकल कहाँ से निकलेगा, बढ़ाइए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैं सच्ची बात बता रहे सर, शादी शुदा है, बराबर ससुराल नहीं जा पाते हैं। पिछले दफे की बात है, 2 साल के बाद ससुराल गया। आज जो ही दरवाजे पर पहुंचा ना, बुढ़िया साहब चावल बना रही थी, खुश हो गई। हम बोले ससुरा ही काहे खुश हो रही है, जिसको खुश होना वो तो अंदर में ही काहे शर्मा रही है। भाई भाई साहब 2 साल के बाद गया हमारे सेवा में, कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया, ससुरा रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। भाई साहब इधर उधर देखे कि इतनी रात को कहां जाएंगे, इधर उधर देखे ना तो बगल में एगो पुरन का आचार का घड़ा रखा हुआ था। भाई साहब लुंगी उठाया, शुरू हो गया, 1 घंटे में पूरा फूल। अब सोचे यहाँ छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा। गमछा लिया, मुंह बांधा, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा ना, सामने देखा नेपाली ने पहरा देता है, सामने वो डंडा लेके आ रहा था। बोले अरे कौन है रे, बोले सर हम चोर हैं। बोले ये तुम्हारे कान्हा पे का है, बोले आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ आचार हाथ लगा। वो खुश हो गया, बोला वाह तुम जल्दी आचार रखो, तुम यहाँ से भागो। भाई साहब वो सिपाही अचार लिया घर गया, भोजपुरी में पत्नी से बोला कि सुना दारू हो, अचार हाथ लगल वो खिचड़ी बनई हो। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी, मैडम जी जो ही गमछा खोली ने बोले ए जी सुनते हैं खाली बदबू दे रहा है। सिपाही जी बोले कोई बात नहीं, पुराना आचार है, बदबू देवे करेगा, थोड़ा जल्दी लाओ, थोड़ा जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर में पीस खोजने लगे, बोले जी सुनते हैं एक को पिसवा नहीं मिल रहा है। सिपाही जी बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, मसाला डाल। भाई सब मसाला डालकर जो ही सामने पड़ा और उन्होंने जो ही नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। सिपाही जी बोले रे ससुरा अचार कहाँ बनाया था रे। हम बोले सर भगवान झूठ ना बुलाए, यहाँ बनाए थे और यहाँ से सप्लाई कर दिए। भाई साहब एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, एक बार ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए, जिनको जिनको अचार चाहिए मेला कमेटी से संपर्क कीजिएगा, कल सुबह जरूर मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आइए।